रवि नारायण व्रत कथा। नाम धर्म निरंजन पाप ताप हारी अरक्ष रक्षक सदानंद बिहारी रवि नारायण व्रत कथा कहिबई कर देव अनुग्रह प्रार्थना करई। वैवस्वत मनुराजा अगस्ती मुनि चरणे प्रणाम करी पूछन्ते वाक्य आहे मुनि महापाप काहाकु कहंती केउ पुण्य व्रत कले से पापु तरंती। राजा वाक्य कुंभसुत कहंती ए बाणी जहा पचारिले ताहा सुण नृपमणि। गोहत्या जे ब्रह्म हत्या नारी हत्या जान जननी गमन आउ वृषळी हरण। पंचमोहा पातक कुआहे नर नाथ जन्म जन्मांतरे हेतु नुहंति मुकत। शिशु हत्या तही संगे समान अट कले ही पाप घोर नर के पड़ई। पुरुष को मारई जे नारी पाप चिते जंतु मारई जे बिना दोषे बुझिएते। एही परी जेते जेते पातक छई कही बिता केते हे जे आहे नर साई। पापी मानंकु जे जम दूते घेनि जानती पकाई नरक कुंडे दंड देउथांती। दान देवा लोक को जे भंगाई कहई जन्मे जन्मे दरिद्र से अवश्य हुई। वैवस्वत मनु शुणी अगस्ती वचन पूछंती ए पाप काही होइब मोचन। प्रकाश करिण बोलु अछि अगस्ती कहु अछु ताहा धीरे सुण नरपति। दिने स्वर्गपुरे सर्वदेवतांक आगे धाता धर्मशास्त्र करुथिले अनुरागे। पूछिले देवता माने आहे चारि मुख महापाप जाए जेउ व्रत कले देख। ताहा शुणी धाता धर्मशास्त्र खोजी करी कहिले परि कथा विचारी विचारी। एकादशी कले जने वैकुंठे वसंती षड़ जयंती रे देव आसन लभंती। दुर्गाष्टमी व्रत देव लोकरे बसई चतुर्दशी व्रत विपद को जे नासई। एही परि व्रत खोजी कहु चौ मथा सुनी ताहा विचारी चिते सकल देवता। एकादशी व्रत नेले देव नारायण चतुर्दशी व्रत को रखिले पंचानन। दुर्गाष्टमी भगवती रखिले आदरी सूर्य देव एही सबु कथा देखी करी कहिले हे बुझी आसे माताको पचारी। नेबई मु व्रत जहा कहिबि विचारी एहा कही आदित्य से ठारु चली गले। माता चरण आगे सबु जनाइले तदंते पूछिले माता बोले केउ व्रत नेबी मु विचारी कह न रखी गुपत। आदित्य वचने माता बोलंती हे बाप रवि नारायण व्रते न रहई पाप। जे जहा बांछई ताहा अवश्य फलई बुझी बाबु एहा केबे अन्यथा नुहई। माताक वचने रवि करी नमस्कार बोलंती गो मात कह तांक समाचार। केउं दिन हुए व्रत केबा करिथिला तही रुबा ताहार जे कि फल होइला। आदित्य वचन सुनी जननी कहंती सुण बाबु कहुछि मु से व्रतर रीति। रविवार एकादशी हेले रे नंदन रवि नारायण व्रत हुई से दिन। कले ताहा पंच महापातक सहिते सबु पाप लोप हुए बुझ धीर चिते। दरिद्र लभई धन पुत्री संतान नारी पाए उत्तम पति जे नोहे आन। एही परि जे जहा बांछे ताहा से लभई रवि नारायण व्रत फल मीछ नाही। सुण तार इतिहास कथारे कुमर शुणिले संशय तोर होई जीव दूर। सौराष्ट्र देशे विद्या विनोद साधव ताहार संपत्ति केबा गणना करिब। हीरा धन बोली तार एकई कुमर संकोचना नामे एक दुहिता आवर। पुत्र वधु नाम पद्मावती जे अटई सकले बंचंती नाना सुख भोग पाई। भिक्षुक ब्राह्मण आसी नीति ता दुआरे मागु भिक्षा बहु झिय दुहे देखी खरे। चाउल अंजुली आनी दियंते से बहु विप्र बोले तोते बहु भाग्य जे हेउ।
सुवर्ण अंजुलि आनी दुहिता दियंते तो कपाले भुंज एहा बोले से तुरिते एही परिणति दिन ब्राह्मण कहंते साधव दुहिता दिने जननी अग्रते बोइला गो माता बहु तंडुल अंजुलि देव बोले बहु भाग्य भोग कर बोली सुवर्ण अंजुलि तांकु दियंते मुने तो कपाल भुंज बोली ब्राह्मण कहई एथिर कारण किछि बुझि न पारई एहा सुनी साधवाणी आरदी न जाई भिक्षा देला बेले ताहा बोलंते ब्राह्मण साधवाणी सुनी तांकु पूछे वचन हे ब्राह्मण गोसाई बहुकु बोल जहा झियकु किंपाई अबा न कहू छताहा एथिर कारण किस कह हे बुझाई ब्राह्मण ता वचन रे हस हस होई तो झिय जन्म होई थिला जे उठारे देख तू मूर्तिका खोली कि अछि सेठारे एहा बोली विप्र गले तहु साधवाणी झियकु संगरे घेनी जाई से हिक्षणी झियर जन्म स्थान मूर्तिका खोलते देखिले जे से स्थान रे अछि एहि मते खंडे भंगा हांडी छिंडा पहरा मुठाए तही भंगा संखारु से अछि तो काए एहा देखी माता दुहिता जे भय कले सिनिसिरे भोजन शयन बर जिले तही आर दिन आसी से विप्र मिलंते साधवाणी जाई तांक पादरे तुरिते प्रमाण करी से सब ब्राह्मण आगरे कहिला जा देखिथिला जन्म स्थान रे तदु तारे पचारिले थिर कारण किस ताहा प्रकाश्य रे बोल हे ब्राह्मण साधवाणी वचन रे से विप्र कहंती सेथिर मरम जेबे बुझिबु जुवती तो ग्राम अमरी कुंभारुणी को पूछिले कहिब से सब कथा बुझाइबटी भले एहा कहि से ब्राह्मण गले इच्छा स्थाने साधवाणी सुता संगे तहु किछि दिने कुंभारुणी पाई पाट साड़ी अलंकार घेनी जाई ता निकटे मिलिले सत्वर देखि साधवाणी की बहुमान्य कला केणे आसी छ बोली ताकु पचारिला साधवाणी बोले तुम्भ संगे मु संगात हेबा पाई आसी अछि एमि छ नोहेत एहा बोली पाट साड़ी अलंकार देला कुंभारुणी संगरे से संगात होइला इति कुंभारुणी कु से साधव रमणी देउ थाए भल भल पदार्थ जे आनी दिने कुंभारुणी साधवाणी को पूछई मोठारे की कथा अछि कहता बुझाई ता वचने साधवाणी बोले गो संगात एहा कहि बुझाइला सकल चरित झियर जन्म स्थान रु जहा पाई ताहा सबु तागरे विस्तारी कहिला एथिर कारण कि सपचारु अछई तुम्भे जान कहिछंती ब्राह्मण गोसाई से अमरी कुंभारुणी साधवाणी गिर सुनी बोले संगात गो चिंता तू न कर विवाह परे एथिर कारण जणाइबि मधुसज्ञा दिन एका करि मु रहिबि एहा कहु कुंभारुणी साधवाणी सुनी अपना घर को गला घेनाई दुलणी किछि दिन अंते शुभ लग्न देखि करी उत्तम सुपुत्र कुलशील देखि करी विवाह बढ़ाई दुहितार साधवाणी अमरिकी कहंती जे सुनिण से क्षणी जाई स्नान करी होई शौच सत्वरे पूजा पेड़ी फिटाइण विचारी मनरे रवि नारायण व्रत पूजा दुर्वाख्यत रखिला तहु बाछी घेनिला तुरित अमला नवास पिंधि सत्वर अइला साधवाणी पुरे पशी गुपते रहिला मधु सज्जा हुअन्ते से वर कन्याकर अमरी बसिला माड़ी जाई से दुआर निशि अर्ध परे आसी जमदूत माने परवेश होइले से साधव सदने वर कन्याकर मधु सज्जा पुर द्वारे प्रवेश हुअन्ते जाई देखिले नेत्ररे सहस्र आदित्य तेज धरी से अमरी बसी अछि से गृह रे द्वार आवरी ता तेज रे निकट कु से जाई न पारी बोलंती अमरी जाओ द्वार छाड़ी करी साधव जुआई परमायु शेष आजि चित्रगुप्त कहिछन्ति देखि तांक पांजी नेबु ताकु आंभे माने आसी छु तही कि ताहा सुणि कुंभारुणी कहई बाणी कि न छाड़ी भी द्वार मु तुम्भ बल थिले
घेनी जाओ इच्छा रेटी लेउट नहिले यहा सुनी जमदूते सत्वरे फेरिले जंतुपति आगे जाई सबु जणाइले सुनीता समन चढ़ी महिषी पीठीरे प्रवेश हेले जाई साधव मंदिरे मधुसज्या पुर द्वारे अमरी की देखी बोलंती सनम बाणी ताको आंटे डाकी छाड़तु साधव जुआई कु नेबु आंबे परमायु तार शेष होई अछि एबे कुंभारुणी सुनी बोले आहे जंतुनाथ अमरी मो नाम किंपा देइछ कहत मोते केते सेवा करी अछि साधवाणी कि परि मु ताहाको छाड़ी कह पुणी जम बोले जेबे ताको न छाड़ीबु तुहि तोर सुत पति कि आज जाऊ अछु नेई एहा बोली जमत हूँ फेरी वेगे गले कुंभारुणी सात सुत पति कि से नेले निशी शेष साधवाणी आसुता को चाही अमरी कहिला सबु कथा को बुझाई बोइला तुम भरी झी निशी रे जान होई थांता रांड एथे संदेह न मण चंडाल गृहरे रही पिंधी भंगा शंखा पहरा खपरा धरी बुली थांता एका एबे सबु विपत्ति रु होई गला पार आस आस देखिब हे विपत्ति मोहर एहा कहि साधवाणी संगे से अमरी आपणा गृहरे शीघ्र जाई मिली करी देखिले जे सात पुत्र गृहस्थ ताहारी मरी सोई प्राण नाहीं तो काहारी साधवाणी ताहा देखि निर्वाक होइला अमरी से दुर्भाक्ष जल रे धोइला सेही जल सिंची सर्वे जीवन पाइले आनंद रे उठी जे झा कार्जे चली गले देखि ताहा साधवाणी से अमरी पादे प्रणाम करी जे ताको पुछई आनंदे कह गो संगात एहा किपरि होइला एते शक्ति तुम्भको के अबादेई गला कुंभारुणी सुनी साधवाणी की कहई रवि नारायण व्रत फल ए अटई साधवाणी बोले कह से व्रत विधान करिबि मु एहि व्रत होई तो समन अमरी बोलई रविवार एकादशी पड़िले ए व्रत होए जान गो विशेषी प्रभातर उठी स्नान नित्य कर्म सारी पूजा द्रव्य सबु सजाड़ देखी करी तृतीय प्रहर बेल हुंते चलिब देवालय कि तुलसी मूल रे पूजिब धर्म निरंजन कर ए व्रत अटई सात फल सात फूले पूजित हुई सात गोटी मुंडा करी नैवेद्य जे देव नाना विधि फल मूल तही रे बाढ़िब सात नाड़ दुब सात अक्षत सहित समर्पिब धर्म निरंजन को सूचित सात क्षीय सुतावली व्रत सजाड़ब सूर्य को सुमरी सात गंठी पकाइब पूजार व्रत को जे हस्तरे बांधिब देवता मूर्ति पाखे ताकू जे रखिब व्रत उपवास करी पूजा नैवेद्य खाई से दिन बंचिब न होई विषाद तही परे इष्ट बंधु मानंक सांगरे करिब पालन आनंदित मानसरे एही परि जे करई भक्ति चितरे रवि नारायण व्रत अति आनंदरे जे जहा बांछई तार हुई पूरण एथिरे संदेह किछि मनरे नमण सुनी साधवाणी जाई से व्रत कु कला दिनु दिनु ताहार जे संपद बढ़िला भावन्ते अनेक सुख भुंजि मरणान्ते वैकुंठे बसई से अति आनंदिते आदित्य माता ठारु सुनीत हूँ गले रवि नारायण व्रत आम्भर बोइले आहे जने धर्म निरंजन व्रत एही कले बांछा पूर्ण हुए संदेह जे नाही कर सर्वे भक्ति चितरे एही व्रत अवश्य होइब जे झा बांछा परापत अति पवित्र जे रवि नारायण व्रत एही कथा सुनी जने हुआ हे पवित्र इति श्री रवि नारायण व्रत कथा संपूर्ण।